नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट पीसी मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग में आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस से हम जिस रो डेटा को एंटर करते हैं उसकी प्रोसेसिंग के रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। यहाँ पर नंबर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस हैं जो आउटपुट को डिफरेंट वेज में डिस्प्ले करने का काम करती हैं, लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, हार्ड कॉपीज, ऑडियो और वीडियोस। इन फॉर्मेट्स में हमें आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर तीन टाइप के आउटपुट को प्रोड्यूस किया गया है जिसमें हम कंप्यूटर पर इनको डिस्प्ले कर सकते हैं विद आउटपुट डिवाइस। फर्स्ट है सॉफ्ट कॉपी, सेकंड है हार्ड कॉपी, थर्ड है साउंड आउटपुट। बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के बारे में। ये स्क्रीन पर आउटपुट को डिस्प्ले करती है। आउटपुट जो स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है उसे सॉफ्ट कॉपी के नाम से जानते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करवाया जाता है फॉलोइंग डिवाइसेस के थ्रू। सबसे पहले है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये एक आउटपुट डिवाइस है जो विजुअली टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने का काम करती है। इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की जाती है डिवाइस पर, जिसे हम सॉफ्ट कॉपी के नाम से जानते हैं, बिकॉज इसमें इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट होती है इलेक्ट्रॉनिकली और डिस्प्ले होती है टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। डिस्प्ले डिवाइस इंक्लूड करता है कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी मॉनिटर्स, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर्स, लाइट एमिटिंग डायोड्स मॉनिटर्स और गैस प्लाज्मा मॉनिटर्स में। इन सभी डिवाइसेस को हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। हार्ड कॉपीज टेंजिबल कंप्यूटर आउटपुट्स होते हैं। प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स के यूज करके हम हार्ड कॉपीज आउटपुट्स को गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंटर्स के बारे में। प्रिंटर यूज किया जाता है हार्ड कॉपी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज हैं। दो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं क्वालिटी ऑफ प्रिंटर्स को, जिसमें इसका रेजोल्यूशन और स्पीड मैटर करता है। रेजोल्यूशन मेजर करता है टर्म ऑफ डीपीआई को और स्पीड मेजर करती है टर्म ऑफ नंबर ऑफ करेक्टर्स प्रिंटेड इन यूनिट ऑफ टाइम, कि कितने टाइम में ये प्रिंट होता है उसकी स्पीड को। ये रिप्रेजेंट करते हैं करेक्टर्स पर सेकेंड्स, लाइन पर सेकेंड्स, लाइन पर मिनट और पेजेस पर मिनट के फॉर्म में। ये बेस्ड होते हैं जिन टेक्नोलॉजीज पर उनको हम यूज करते हैं टू टर्म्स में, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के नेम से जानते हैं की टर्म में। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में। ये एज ए टाइपराइटर और प्रिंटिंग मैकेनिज्म के लिए यूज में आते हैं, जहां पर हेड और नीडल स्ट्राइक करती है अगेंस्ट द इंक रिबन, जिससे कि पेपर पर मार्क को मेक किया जाता है। इसमें इंक रिबन जो यूज किए जाते हैं वो वेरी एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। इनका यूज हम बैंक शॉप्स में करते हैं जहां पर प्रिंटिंग की जाती है रिसिप्ट की। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले हम इसमें लाइन प्रिंटर की बात करते हैं। लाइन प्रिंटर का यूज हम सिमिलर टेक्नोलॉजी के लिए करते हैं, बट ये प्रिंटर थोड़े फास्ट होते हैं क्योंकि ये एक रो को एट ए टाइम पर प्रिंट करने का काम करते हैं। दिस मीन्स ये प्रिंट कर सकते हैं अप टू 300 लाइन पर मिनट के अंदर। यहाँ पर टू टाइप के लाइन प्रिंटर होते हैं, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रम प्रिंटर के बारे में। ड्रम प्रिंटर में ये प्रिंटर ड्रम की शेप में होते हैं, इसे ड्रम प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसकी सरफेस ड्रम में डिवाइडेड होती है इंटू नंबर ऑफ ट्रैक्स में। टोटल ट्रैक्स इक्वल साइज के होते हैं पेपर के अकॉर्डिंग, जिसमें हम इसके पेपर की विड्थ को 132 करेक्टर्स तक यूज में ले सकते हैं और ड्रम के पास 132 ट्रैक्स होते हैं। करेक्टर में ट्रैक्स को डिफरेंट करेक्टर्स पर सेट किया जा सकता है, यहाँ तक कि मार्केट में 48, 64 और 96 करेक्टर सेट के प्रिंटर्स भी अवेलेबल हैं। वन रोटेशन ऑफ ड्रम प्रिंट करता है वन लाइन। ड्रम प्रिंटर फास्ट होते हैं स्पीड में और ये प्रिंट कर सकते हैं 300 टू 2000 लाइंस पर मिनट में। इसकी एडवांटेज ये है कि ये बहुत फास्ट होते हैं।
और डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ड्यू टू इसकी स्पीड, और इसके करेक्टर्स के फॉन्ट्स चेंज नहीं किए जा सकते। इसमें सेट ऑफ चेन्स करेक्टर का यूज किया जाता है, इसलिए हम इसे चेन प्रिंटर के नाम से जानते हैं। इसमें स्टैंडर्ड करेक्टर्स सेट 48, 64 और 96 करेक्टर्स तक हो सकते हैं। एडवांटेज, करेक्टर्स फॉन्ट इजिली चेंज हो सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस को हम प्रिंट कर सकते हैं सेम प्रिंटर के थ्रू। डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही नॉइस क्रिएट करते हैं, ये नॉइजी प्रिंटर्स होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, इनका यूज हम स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिंस को एक्टिव करने के लिए करते हैं, जिससे ये हेड को प्रिंट करता है थ्रू रिबन, इंक रिबन से, जिसमें ये प्रोड्यूस करता है इमेजेस को बाय इंपैक्ट। मोस्ट कॉमनली प्रिंटर्स 9 पिन के हेड्स को कंसिस्ट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में लेटर्स ग्रिड और मैट्रिक्स फॉर्म में डॉट्स पैटर्न में प्रिंट किए जाते हैं। ये फॉर्म होती है लेटर्स की, जिसमें बाय हीटिंग प्रिंट करता है रिबन को एंड देन बोथ पेपर्स को। इसमें प्रिंट की क्वालिटी पुअर होती है और ये बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट करता है जब इसे प्रिंटिंग के लिए यूज में लिया जाता है। इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत लेस होती है और इसे मल्टीपल कॉपीज के लिए हम प्रिंट कर सकते हैं। कार्बन पेपर बिटवीन पेपर्स इसको यूज कर सकते हैं। ये प्रिंटर स्लो होते हैं और नॉइजी होते हैं, इसलिए कॉमनली इसे पर्सनली यूज में नहीं लिया जा सकता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स का वाइडली यूज किया जाता है कैश काउंटर्स में, शॉप्स में, ड्यू टू इनकी लो प्रिंटिंग कॉस्ट के कारण, बिकॉज हम यहाँ पर कार्बन कॉपीज को इससे गेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में। इन प्रिंटर्स में प्रिंटिंग के टाइम पर इन्हें टच नहीं किया जा सकता और इसमें प्रिंटर के हेड पर स्ट्राइक नहीं किया जाता जब हम प्रिंटिंग करते हैं। ये नॉइजी नहीं होते हैं और ये यूज करते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को जब हम प्रिंट करते हैं कैरेक्टर्स को पेपर पर। इसके टाइप्स में इंकजेट, लेजर और थर्मल प्रिंटर्स आते हैं। इसकी रनिंग कॉस्ट प्रिंटर की मोर एक्सपेंसिव होती है देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। लेजर प्रिंटर्स, ये नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर्स होते हैं। इनकी हेल्प से हम लेजर लाइट से डॉट्स की फॉर्म में कैरेक्टर्स को पेज पर प्रिंट करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं। इसकी एडवांटेज ये है, इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, आउटपुट की क्वालिटी भी हाई होती है, इसमें ग्राफिक्स क्वालिटी गुड होती है और ये मैनी फॉन्ट्स में और डिफरेंट कैरेक्टर साइज में सपोर्ट करता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और हम इसका यूज मल्टीपल कॉपीज के डॉक्यूमेंट्स को सिंगल प्रिंटिंग पर प्रोड्यूस करने के लिए नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर्स के बारे में। इंकजेट प्रिंटर्स नॉन इंपैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं जो रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। ये प्रिंट करते हैं कैरेक्टर्स को बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑनटू पेपर। इंकजेट प्रिंटर्स प्रोड्यूस करते हैं हाई क्वालिटी आउटपुट को विद प्रेजेंटेबल फीचर्स में। ये लेस नॉइस को मेक करते हैं बिकॉज इसमें हैमरिंग नहीं होती है एंड ये मैनी स्टाइल्स में प्रिंटिंग मोड्स को अवेलेबल करते हैं। इसमें कलर प्रिंटिंग भी अवेलेबल होती है। कुछ मॉडल्स इंकजेट प्रिंटर्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रिंटिंग्स को। एडवांटेज, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग होती है और ये मोर रिलायबल फॉर्म में होते हैं। डिसएडवांटेज, ये एक्सपेंसिव होते हैं एज द कॉस्ट पर पेज इज हाई। स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटर। बात करते हैं थर्मल प्रिंटर्स के बारे में। ये बेसिकली इमेजेस को प्रिंट करने के लिए सिलेक्टिवली प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसमें हीटिंग की जाती है इसकी हीट सेंसिटिव थर्मल पेपर पर और इसे पास किया जाता है ओवर द थर्मल प्रिंटर हेड पर। क्वेटिंग टोन्स करती है ब्लैक एरियाज में जहां पर हीटेड किया जाता है इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए। ये प्रिंटर्स लेस नॉइसी और फास्ट होते हैं रेदर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। ये ऑल्सो स्मॉलर होते हैं, लाइटर होते हैं और कंज्यूम लेस पावर को कंज्यूम करते हैं। इसे एज ए पोर्टेबल प्रिंटर की तरह यूज में लिया जा सकता है। ये कॉमनली यूज किए जाते हैं बिजनेस एरियाज में जहां पर हमें रिसिप्ट्स को डिवाइसेस से प्रिंट करना होता है, लाइक एन एटीएम्स एंड प्रिंटिंग लेबल्स। ये इनके फीचर्स होते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। अगर हमारा ये टॉपिक आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिमेनिंग आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तब तक के लिए बने रहे हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। Thank you. Stay safe, stay positive.